उतना मार के जब कर दिया, बेहोश करके भाग जाता था, एक बार भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, तो क्या बिट्टू भी था वो भी मेरा हाथ पैर पकड़ लेता था, इतना हरामी था वो। बोल रहे पति पत्नी आपस में झगड़ा झंझट होता है तो उसको मैनेज भी कर लेते हैं। ठीक है, हम रोशन रोई को मार के सर फाड़ देते तो बताएं, खुल के बताइए किधर, आप पे उंगली जो उठा रहा है उसके लिए खुल के बोलिए, वो किस लड़की का सपोर्ट किया है? हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे बवाली सभी लोग मौजूद है, संजना सक्सेना जी है, किरण सिंह है, आप बीरू किशन जी है, ये लोग पे आरोप है ना कि करोड़ों रुपया लिए है किरण सिंह से और साथ दे रहे हैं। उन सारे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, और भी कई मुद्दे जो चल रहे हैं ना, मगही से लेकर के संस्था के लेकर के, जो कि बहुत सारे संस्था पे आरोप लगा रहा है कि पैसा लेकर के आप मतलब कि ये लोग काम कर रहा है। एक अभी खबर चल रहा है कि आप लोग देखे होंगे, एक संस्था वाली जेल भी चली गई है, वो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। संजना जी से स्वागत करते हैं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, करोड़ों रुपए बोले तब से हंसी रुक ही नहीं रही है सर। समाज में चल रहा है हमारा, तब तो आप लोग दोनों आदमी साथ दे रहे हैं, खुशबू खुशबू साथ दे रहे हैं किरण को। कितना करोड़ का आरोप है? 1 करोड़ रुपए। न्यूज नहीं देखे हैं सर? चल रहा है समाज में करोड़, इतना सस्ता थोड़े है सर, 1 करोड़ रुपए हम थोड़े मानेंगे। कितना लिए? अगर जो लेने वाले पे डिपेंड करता है, 1 करोड़ रुपए तो ऐसे ही रहता है, समझे? 1 करोड़ रुपया तो हमारे पास ऐसे ही रहता है, उतना के गाड़ी चैन, ठीक है, सिकड़ी दिखाइए, सिकड़ी अच्छा से दिखाइए, दिखाइए कितना ही लोग रुपया लिया है ना, कि देखिए चैन गाड़ी सब कुछ खरीद लिया है। 1 करोड़ रुपया तो हम लेके चलते हैं, तो 1 करोड़ रुपया काहे ले लेंगे? लेंगे तो 10-20 करोड़ रुपया मिलेगा तब ना, यही सब से लेंगे। एकरा पास रह दिया है जो 1 करोड़ रुपया लेंगे, क्या है इसके पास जो बताइए? तो फिर कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि जब रोशन रोई के साथ मिल जाएगी तो उधर से जो कमाएगा वो लेंगे, ये चीज डील हुआ है। चलिए, हमको पता नहीं था, लेकिन दर्शक या समाज में जो चल रहा था वो मैटर को लेकर के हम बात कर आते हैं। संजना जी आपके पास, किरण जी है यहाँ पे, कैसी हैं किरण जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, लेकिन रोशन रोई को जेल भेजवा करके आप बता रही कि हम ठीक, अच्छा लग रहा है। क्या आप क्या अपने पति को कहीं ना कहीं जेल में रखे? अरे फिर वही बात, मतलब क्या चाहते हैं कि हम सिरिंच विरिंच लगा लें कि हमको बुखार लगा, हम मरल जा रहे हैं? हम कहे चाहेंगे महाराज, हम तो चाहेंगे कि हस्बैंड को जेल भेज के बोल रही है ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे तमाम चल रहा है खबर, तो जेल भेज, क्यों क्यों मर जाए? नहीं, मरने के लिए हम थोड़ी ना बोलेंगे कि मर, तो अगला गलती किया तब ना गया बिना गलती का। तो लोग बोल रहे पति पत्नी आपस में झगड़ा झंझट होता है तो उसको मैनेज भी कर लेते, ठीक है, हम रोशन रोई को मार के सर फाड़ देते तो लोग क्या बोलते हैं, अरे लड़की है, बदमाश है, फाड़ देती सर, आपका पारा, आप भी फाड़ देते? नहीं फाड़ते, पटका पटकी करते, लड़ाई करते, लेकिन जेल नहीं भेजते आप? गलत बात है, तब आपका सोच ही गलत है। पति पत्नी में भाई लोग कमेंट कीजिएगा कि पति पत्नी पे मारपीट होता है कि नहीं, लड़ाई होता है नहीं, लेकिन इसका क्या सलूशन? जेल है। मर जाते तब किरण सिंह सही रहती? कैसे मर जाते, इतना हिम्मत है? उतना मार के जब कर दिया, बेहोश करके भाग जाता था, एक बार भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता था, तो क्या आप नहीं मार सकते थे उसको? मुड़ी उठा के 2-4 मुड़ी देती? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा, उसके शरीर में पूछे एक भी खरोच शरीर में नहीं दिखता था, मार मार के तो मेरा यहाँ पे भी कटा हुआ। आप भी उसको पीटती तो डर जाता ना कि नहीं भाई ये भी पीट रही है हमको? बिट्टू भी था उसमें, अच्छा, आप मुंह काला खुलवा रहे मेरा झूठो के, बिट्टू भी था वो भी मेरा हाथ पैर पकड़ लेता था, इतना हरामी था वो, हाथ पैर पकड़ता था? हाँ, ये तो गलत है, इसका मैं विरोधी हूँ भाई। जब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है ऐसा होता तो क्या करते हैं हम? एगो पकड़ता एगो मारता तो? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, हम तो बिल्कुल, हम खुद बोल रहे हैं कि गलत है, जब पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तीसरा को नहीं आना चाहिए, क्लियर बात। लेकिन किरण जी ये बताइए कैसे जीवन चलेगा, क्या मैनेज करेंगी? रोशन रोई के साथ में फिर नहीं रहना है? नहीं नहीं, अब नहीं, क्या पति पत्नी में झगड़ा होता है तो फिर एक साथ नहीं आते हैं? वो पति वाला उसके अंदर कुछ था ही नहीं, वो तो जब हम ही को गलत साबित करवा रहा है कि ऐसी थी वैसी, तो ठीक है ना, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते रहो हम अपने रास्ते, सही है। लेकिन एक हम बयान लिए हैं गोलू गौतम से, तो बता रहे थे वो तो डांस करती नाचती थी गाने में, लेकिन उनको गाना वाना छुड़वा करके घर पे आराम से रखा जाता था। बहुना अपना औकात नापे पहले, दूसरे का औकात नापता है बहुनट्ठा कहीं का, उसका स्टूडियो पे कौन कौन सिंगर आता पूछिएगा ना बहुना से,
दूसरे का, अरे क्या बोले, मुझसे तो इन लोगों का बेकार निकलता है, बेकार नहीं बोलना है, तो बोले बेलज इंसान इसको कहा जाता है, बेलज। इतनी सुन, चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए बौना चर फुटवा को, चारों फुट सही से नहीं हमको लगता है, तीन फुट का होगा। अच्छा उसका बात छोड़ करके, जो इस समाज में हो रहा है इसका नाम बार बार लिया जा रहा है, किरण किरण की किरण ओ की, तो सबसे पहले कोर्ट का फैसला ही कोर्ट में चला गया, कोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये फालतू का कौन लिया है, कौन दिया है, कौन दे रहा है, वो दुनिया को पता है सर। ये समाज में जैसे हम लोग बैठ रहे हैं, इस चीज पे बात कर रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं जो संस्था खोल के रखे हैं, कुछ लोग, सभी लोगों को नहीं बोल रहे, जिस टाइप के गाली गलौज कर रहे हैं, जिस टाइप का बातों को रख रहे हैं कि ऐसा है घटिया है, मैं उन लोग से बोलना चाहती हूँ कि वो लोग एकाएक कि सब लोग अपने आप में पुल खुल रहा है, इस टाइप का पुल खुल रहा है कि घिनवा घिनौल हो रहा है, तब वो लोग मत कीजिए। वो लोग कोई सही नहीं है, कहीं पे हम गलत हैं, कहीं पे ये गलत है, कहीं पे कोई और गलत है, तो अगर जो हम गलत हैं उसके बावजूद भी अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं या सुधार रहे हैं, उसको लोग देखता है सर। और हम खुद ही गलत हैं और लोगों को भी हम गलत ठहरा रहे हैं या गलत हम बोल रहे हैं, तो उससे तो और समाज में गंदगी फैल रही है, तो हम समाज सुधार नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस मामले पे आते हैं, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि एक संस्था वाली जेल चली गई है, उसमें हम आते हैं। अभी किरण से मेरा एक दो सवाल है। किरण, अभी पल्लवी सिंह आके बयान दी है कि पहले से इनका शादीशुदा था, बॉयफ्रेंड छोड़ने आता था, क्या दर्शकों के सच्चाई है, हम जानना चाहते हैं, खोल के बताइएगा। शायद मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानती होंगी। वो तो बता रही कि मेरे साथ सूट पे रहती थी, बात होता था, हम लोग काम करते थे साथ में। क्या आप काम करती थी पल्लवी? शायद काम के लिए ऐसा होगा कि रोशन रोई आएगा तो शायद साथ में काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। आप पल्लवी सिंह को जानती है अच्छी तरीके से? आप लोग साथ में थे? एकदम जानते अच्छे से। वो बताती है कि मेरी दोस्त है, मेरे सामने आकर के आप मेरा मुहा मुही बात कर। आपने इंटरव्यू देखा? प्रूफ दी है? नहीं हम नहीं देखते। प्रूफ दी है? प्रूफ दी है? नहीं प्रूफ तो नहीं दे रहे, लेकिन बोल रहे। चाहेंगे तो उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। जवान ऐसी चीज है ना, किसी के बारे में कुछ भी बुला जाता है, ऐसी होती है। लेकिन जो ये चीजें वो पूरा गौर से बता रही है कि किरण मेरे सामने आकर के अब मेरे साथ बोले, देखिए हम खुल के बताएं। हाँ खुल के बताइए किरण, आप पे उंगली जो उठा रहा है उसके लिए खुल के बोलिए। वो किस लड़की का सपोर्ट किए हैं ये हमको नहीं पता। फिर वही बात, आप तो इंडस्ट्री में है ना इतने टाइम से, किसी लड़की का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो 3 साल हुआ होगा सुसाइड का, उनपे भी वो विरोध की, क्योंकि आकांक्षा दुबे, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ हम बता रहे, दर्शकों को क्लियर करना होगा ना, आकांक्षा दुबे पे लगातार वो अपना बयान दे रही है। सपोर्ट की थी थी आकांक्षा दुबे का, मतलब कि नेगेटिव दिखा रही थी, समर सिंह को सपोर्ट कर रही थी। तो हर टाइम लड़के का ही सपोर्ट करती है, लड़की का नहीं करती। जब वहीं से सोच लीजिए ना, मरा हुआ लाश को नहीं छोड़ा गया तो जिंदा इंसान को क्या छोड़ा जाए, जब इंसान बैठा लेता है ना तो वही चीज करता है। तो जितना वो आरोप लगा रही है वो गलत है? हाँ गलत है। अगर सामने सामने बैठा दीजिए जाए पल्लवी सिंह और आपको, तो जवाब दे सकते? बैठे क्यों बैठे, लेकिन वो बोली है कि सामने बैठा लीजिए। हम सबको यही करते चले, टीआरपी देने वाला काम नहीं करते। बहुत बड़ा इल्जाम जो लगा रही है उसको क्लियर क्या, वो प्रूफ तो मुंह से बोला बोली से हो जाएगा। यही हम करते रहे, हम केस का मैटर छोड़ के कभी समीर चौधरी को कुछ बोलने जाए, कभी चुहिया बिलैया को कुछ बोलने जाए, कभी उसको बोलने, यही काम करते रहे, केस ना देखें। नहीं ये काम मत कर, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता देख रही उस चीज को तो आखिर क्लियर करना होगा ना। उंगली काफी, इंसान को अपने में सही रहे ना तब दूसरे पे उंगली करना चाहिए। तो क्या पल्लवी सिंह गलत है? तो होंगी तब तो मेरे पे उंगली उठा रही है। ये आप दावे से कैसे कर सकते? तो दावे से कैसे कह रही है? वो तो बता रही कि आप लोग दोस्त थे, मित्र हैं, हम भी बहुत कुछ जानते थे। शूटिंग पे छोड़ने आता था, उसी से शादी की थी। आप उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो बहुत ऐसे वैसे करी, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे वैसे करते रहे, मतलब नहीं है। सुनिए इस सब बात को छोड़िए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, जब जानते हैं या तो गंदा चीज ज्यादा उछलता है या तो अच्छा चीज। लेकिन जैसे बता रही है वो भी कलाकार है ना, पल्लवी सिंह बता रही है कि दोस्त है, तो हम अच्छी तरीके से जानते थे, सूट पे हम लोग रहते थे, छोड़ने आते। आप लोग किसके बारे में नहीं जानते, तो ये है कि नहीं, आखिर उनका रिप्लाई देना पड़ेगा ना सर। सर बात ऐसा है ना कि जब कुछ होता है ना
तो जिसकी कोई औकात नहीं होती है, वो तो शायद कुछ हो ना हो नहीं जानते, लेकिन जिसकी कोई औकात नहीं होती है वो सब भी ढेला फेंकने के लिए तैयार रहता है, जबकि उसे खुद पता है कि हम बहुत कचरा हैं। तो हर कोई, हम अभी क्या थोड़ा देर पहले बोले कि हाँ कहीं पे हम गलत हैं, कहीं पे ये, कहीं पे सब लोग गलत है, कहीं ना कहीं सब कोई गलती में आता है एक टाइम। तो हर कोई पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, और कोई एक पॉइंट पकड़ के किसी को गलत साबित करना मेरे को नहीं लगता कि सही है। अगर जो ये गलत है तो रोशन रोही को सही साबित किया जाए। इसको हम भी बोलते हैं कि रोड पे छोड़ देंगे, बार बार बोलते हैं, कहीं पे भी जिस समय इसको गलत साबित करेगा उस समय से इसका साथ छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी इसको गाली नहीं देंगे। तो सारी महिलाओं से यही मेरा कहना है कि कृपया करके उस चीज को मत उछालिए जो कि आपके पास भी है। आप लोग का इज्जत उछलने लगेगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए सब लोग सही हैं जो भी, गलत हैं जो भी, उस लाइन बनाइए, एक लाइन खींचिए। जो लोग बोलता है कि हम लाइन खींच दिए, नहीं, आप सच में एक लाइन खींचिए कि अगर गलत भी हैं तो गलत से शिक्षा मिल करके हम किसी को सही राह पे लेके जाएं। अभी देखिए ना, एक जो एक दीदी थी, उनका क्या नाम है, जो अपने आप को मैडम बोलती थी, कंचन मैडम, जो भी मैडम है, हम नहीं जानते उनको, लेकिन उनका कुछ वीडियो वगैरह परसों तरसों देखें, उन लोग बोल रही थी कि सबको, बूढ़ा बुजुर्ग है, कांप रहा एकदम, अब उसको बोलते थे मारेंगे ना थप्पड़ से। यही आपका संस्कार है, अब किसी भी निर्बल इंसान को आप थप्पड़ चलाइएगा, आपका संस्कार ये अलाउ करता है? अच्छा, कोर्ट में एक फैसला चल रहा था आप जमुई में शायद, तो जमुई में वकील को बोलती है ये सब काला कौआ है, जैसे मेरा बयान नहीं है, मतलब कि उन्हीं का बयान है कंचन जी को। तो आखिर ये लोग संस्था चलाते हैं कि क्या करते हैं? संजना जी, आप भी कभी ना कभी महिला विकास मंच में जुड़ी थी, हम देखे हैं कि संस्था में आप जाती थी, आती थी। यहाँ मैं इस बात को काउंटर करती हूँ कि मैं कभी महिला विकास मंच में नहीं थी, जुड़ी, मतलब कि जाती थी, आप वहाँ पे मुलाकात होता, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, मैं आज भी जाऊंगी और कल भी जाती थी, और जितनी भी महिलाएं हैं सब मेरी फ्रेंड हैं, जो अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं, उनके लिए हम 24 घंटा अवेलेबल है। अच्छा, तो कैसे देखती है, मतलब कि कंचन मैडम के बारे में क्या कहेंगी, मतलब कि ये जो हुआ जेल गई, इसमें क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो खुद पीड़ित हैं, जो लोग, वो लोग आकर के संस्था खोल रही हैं, ठीक, चलिए वो भी ठीक है कि उनके ऊपर बीता हुआ चीज, वो अगर मेरे ऊपर बीता है तो हम वो चीज को और अच्छे से जान सकते हैं कि किसी अगले के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो उस चीज को बढ़िया से देखिए, ना कि सिस्टम से बाहर जाइए। हमारे इंडिया में कितना सिस्टम से चलते हैं लोग, ये बताइए, 5% सिस्टम से कई गो चलते हैं, 5% सिस्टम, 5% से 95% लाइए, 95% जब सिस्टम को लाइएगा ना, तो आपका महत्व दिया जाएगा। मार करके, गाली दे करके वायरल होने से अच्छा है कि हम 5% सिस्टम से काम करें तो 95% तक पहुंचे। वो कानून को ही बोल रहे हैं कि गाली गलौज हम नहीं दे सकते हैं, गाली गलौज दे करके बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं काला कौआ है, तुम ये हो, तुम रंडवा हो का, तुम भड़वा हो का, तुम्हारी बीवी नहीं है, मिलवा दो, इस तरीके का बात मत बोलिए, ये सिस्टम से बाहर है। और सबसे पहले हम लोग कानून से परे, मतलब कानून से ऊपर नहीं है, और कानून को बढ़िया से समझिए, पढ़े लिखे हैं तो, अनपढ़ लोगों के लिए तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप लोग बहुत बड़े हैं, आप लोग से हम मुंह नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कानून को बढ़िया से पढ़िए और समझिए, और सिस्टम में रह करके काम कीजिए, सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, गंदा बात बोल करके नहीं, और कभी भी कानून को गाली मत दीजिए। बस यही निवेदन है।